नमस्कार, मैं पूजा मिश्रा डेली इनसाइडर से लखनऊ से। आइए हम बात करते हैं कुछ लोगों से बेरोजगारी पे, चुनाव पे। आजकल बहुत ज्यादा ही चुनाव की गर्मा गर्मी चल रही है, देखते हैं लोगों का क्या कहना है। बेरोजगारी का बहुत बड़ा मुद्दा है सरकार में। हम लोगों की अभी उठाकर देख लीजिए, ग्रुप डी एनटीपीसी या फिर 2017 की जो दरोगा की वैकेंसी हुई थी वो भी कोर्ट में डाल दिए थे 2017 वाले में। इसके बाद जो फाइनल हुआ, इसके बाद 3300 सीट थी उसमें 2200 सीट फाइनल की, इसके बाद 1100 सीट खाली अभी पड़ी, उसमें हम चयनित हैं। लेकिन उसमें सिलेक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं 1100 बच्चों को? और हम सरकार से यही पूछना चाहते हैं, ये बीजेपी सरकार में क्या हो रहा है? बेरोजगारी से घूम रहे। सबसे बड़ा मुद्दा उत्तर प्रदेश में आज बेरोजगारी का है, हर क्षेत्र में लोग परेशान हैं। कौन आप एक काम ही बता दीजिए बीजेपी सरकार का जो फाइनल किए हैं, सिर्फ एक विशेष जात के लिए जो हो रहा है वो हो रहा है, और कुछ भी आपको नहीं। लगता है ये जातिवादी वाला ही सरकार है? बिल्कुल जातिवादी, खुला कार्रवाई देख लीजिए। हम ब्राह्मण हैं लेकिन बीजेपी से इतना नाराज हैं कि क्या बताएं आपको। हमारे लोकल विधायक गोसाईगंज इंद्र प्रताप तिवारी जी हैं जो कि मौजूदा बीजेपी विधायक में थे, उनके ऊपर कार्रवाई हुई। और आपको बता दें उनके विशेष जात के लोग जो प्रतापगढ़ या फिर हमारे वहीं बगल में गोंडा के या फिर और वहाँ जौनपुर धनंजय सिंह हैं, उनके ऊपर क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है? हमारे विशेष धर्म जात को सिर्फ प्रताड़ित किया जा रहा है और कोई काम ही नहीं इनका। योगी जी का तो ये भी कहना है कि बसपा के टाइम 2007 से लेकर 2012 तक दंगे हुए, फिर सपा आई तो 2012 से 2017 तक दंगे हुए, पर उनकी सरकार में दंगे नहीं हुए, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, दंगा होगा तो एक अलग बात है। देखिए हम युवा हैं, हम ये भी एक अच्छा किए हैं काम। देखिए सरकार आता है कुछ ना कुछ थोड़ा काम अच्छा तो करता है, लेकिन दंगा नहीं हुए तो क्या इसे हमें रोजगार मिल गया? हमें रोजगार चाहिए। अब एक अभी देख लीजिए जो टेट का पेपर कराए हैं, ये भी ये वाला पेपर भी लीक हुआ है। इसके बाद जो पेपर शिक्षक भर्ती कराने के लिए पेपर पहले ही लीक करा देते हैं, सोचे शिक्षक और ओबीसी का सीट भी कुछ हड़पे हैं। 77,000 शिक्षक भर्ती में 27,000 ओबीसी का सीट फिक्स था, वो भी हड़प लिए हैं, जनरल वालों को किए हैं। सब मुद्दा है और क्या बताएं हम लोग। एनटीपीसी, आरआरबी, ये जो हमारे रेलवे के एग्जाम्स हुए थे, इसमें जो छात्रों को प्रयागराज में जो छात्रों के साथ हुआ उस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? जो प्रयागराज में हुआ वो बहुत गलत हुआ है, जिस तरीके से जो है बच्चों को वहाँ पर पिटाई किए हैं, ये बच्चे इस बार इनको जवाब देंगे। तो आपको क्या बच्चों की बहुत ज्यादा नाराजगी है सरकार से? बिल्कुल, हम लोग खुद उसी तैयारी कर रहे हैं। जैसे 2019 में इसका फॉर्म आया था, 21 में प्री की परीक्षा हुई, उसके बाद 22 में इसका रिजल्ट आया, तो रिजल्ट इस तरीके से आया कि 93-94 कट ऑफ गया 100 में। तो बताइए 100 में कौन 94-93 लाएगा, कौन सा बच्चा किस तरीके का परीक्षा ले रहे हैं? 70-72 नंबर पाकर बच्चे तब भी नहीं सिलेक्ट हुए इसमें। तो पैंडेमिक का टाइम तो वैसे भी है, हम जानते हैं कि कोरोना का माहौल चल रहा है, ऐसे में सरकार के लिए भी कुछ कर पाना मुश्किल है। मैम तभी देखिए चुनाव समय पर हो रहे हैं, हर चीज समय पर हो रहा है, सिर्फ परीक्षा ऐसी एक चीज है जो टाइम पे नहीं हो रहा है, बाकी सब चीज अपने समय पे हो रहा है। कॉलेज इस समय बंद चल रहे हैं, चुनाव में रैलियां नहीं हो रही हैं, हर जगह रैली चल रही है। 1000 उनकी गाइडलाइंस बढ़ाकर 1000 सेट कर दिया गया इस समय। उनका तो कहना है वो पढ़ाई पे बहुत ध्यान दे रहे हैं, डिजिटलाइजेशन हो रहा है, पूरा डिजिटल हो रहा है पढ़ाई, लोगों की पढ़ाई की समस्या सॉल्व हो रही है उसके बाद भी। मैम अगर डिजिटलाइजेशन हो रहा है तो ये जो फोन बांट रहे थे, कितना फोन बांटे ये बच्चों को? हम लोग बीएड कर रहे हैं, हम लोगों को फोन ही नहीं मिला, तो कैसे मान लें कि क्या हुआ कैसे? तभी तो हम लोग डिजिटलाइजेशन करते हैं, तभी तो उससे पढ़ाई करते। डाटा इतना महंगा हो गया, 650 रुपये डाटा हो गया अगर 84 दिन का करा रहे हैं। पर उनका तो दावा है कि वो 60 लाख नौकरी देंगे इस बार। मैम 60 लाख नौकरी जो इससे पहले वादा किए, क्या वो पूरा हुआ? सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिससे पहले वादा किए वो पूरा किए कि नया जो है इससे जो है वादा सिर्फ उनका मैम जो है सिर्फ चुनावी मुद्दा है, बाकी और कुछ ऐसा है नहीं। नमस्कार, मैं पूजा मिश्रा डेली इनसाइडर से। और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए आज ही गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इनसाइडर।